हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है नेक्स्ट क्लोनिंग, जो अपने चला था 12th क्लास के चैप्टर के अंदर 37 के अंदर। तो ये है अपना नेक्स्ट टॉपिक क्लोनिंग। तो इससे पहले की वीडियो में हमने बात की थी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बाद अपना नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है क्लोनिंग। तो देखिए, क्लोनिंग होती क्या है? आपने कई बार नाम सुना होगा कि क्लोन, जैसे आप पढ़ भी चुके हैं डोली भेड़ के बारे में। तो जो डोली भेड़ थी वो किसके द्वारा बनी थी? क्लोन के द्वारा बनी थी। तो वही आज हम यहीं पर पढ़ेंगे कि क्लोनिंग होती क्या है। तो क्लोनिंग क्या होती है पहले समझिए, क्लोन क्या होता है। देखिए, क्लोनिंग जो शब्द होता है वह ग्रीक भाषा के शब्द से मिलकर बना होता है। एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है क्लोन। ये जो क्लोन होता है इसे हम कहते हैं ट्विग। क्या कहते हैं? ट्विग। ठीक है भाई, क्लोन है या इसे हम कहते हैं ट्विग, मतलब एक टहनी। इसे हम क्या कहेंगे? टहनी। ठीक है भाई, जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक वृक्ष होता है अपना, एक वृक्ष की जो सभी शाखाएं होती है, एक वृक्ष की जो सभी जो शाखाएं होती है वो इस वृक्ष से क्या होती है? आनुवांशिक रूप से क्या होती है? समान होती है। आनुवांशिक रूप से वह संरचनात्मक रूप से इस वृक्ष के क्या होती है? समान होती है। उसी प्रकार से जो क्लोन जीव होते हैं, मतलब दो जो क्लोन जीव है, वो दो क्लोन जीव आपस में भी क्या होते हैं? आनुवांशिक व संरचनात्मक रूप से क्या होते हैं? समान होते हैं। तो देखिए, क्लोन एक ग्रीक भाषा शब्द से क्या कहेंगे? ट्विग, या इसका अर्थ होता है टहनी। मतलब जैसे एक वृक्ष की जितनी भी शाखाएं होती है वो शाखाएं उस वृक्ष से क्या है? आनुवांशिक व संरचनात्मक रूप से क्या है? समान है। तो इसी प्रकार से जो क्लोन जो जीव होते हैं, देखिए क्लोनिंग की जो क्रिया होती है वो कई जीवों के अंदर, मतलब निम्न वर्गीय जीवों के अंदर क्या होती है? प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, परंतु स्तनधारियों के अंदर यह घटना प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती। ठीक है भाई, तो इसीलिए हम इसको क्या करते हैं? स्तनधारियों के अंदर कृत्रिम रूप से अपनाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कि ये जो शाखाएं हैं वो इससे क्या है? कृत्रिम रूप से समान है। इसी प्रकार से जो दो जीव होते हैं, जैसे एक जीव ये है एक जीव ये है, इन दोनों जीवों को आनुवांशिक रूप से क्या होते हैं? समान होते हैं। आनुवांशिक संरचना, ठीक है भाई, वह इनकी क्या होती है? संरचनात्मक, संरचनात्मक जो संरचना होती है, मतलब आनुवांशिक व संरचनात्मक दृष्टि से जब दो जीव समान हो तो वो एक दूसरे से क्या कहलाएंगे? क्लोन कहलाएंगे। हमने पीछे कल बात की थी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में, तो उसके अंदर हमने बात की थी कि दो जो जीव होते हैं वो कभी भी आनुवांशिक रूप से या संरचनात्मक रूप से क्या नहीं होते? समान नहीं होते। उनमें कुछ ना कुछ आपको क्या देखने को मिलेगी? भिन्नता देखने को मिलेगी। परंतु जो क्लोनिंग के द्वारा जो जीव उत्पन्न किए जाते हैं वो क्या होते हैं? आनुवांशिक व संरचनात्मक रूप से एक दूसरे के क्या होते हैं? समान होते हैं। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं भी जो क्लोनिंग होती है वो किस विधि के द्वारा की जाती है। क्लोनिंग की जो विधि होती है उस विधि का नाम होता है नाभिकीय स्थानांतरण विधि। इसका नाम क्या है भाई? नाभिकीय स्थानांतरण, नाभिकीय स्थानांतरण विधि। नाभिकीय स्थानांतरण विधि के अंदर, जैसा कि आपको नाम से पता है, नाभिक, नाभिकीय मतलब क्या हो गया? केंद्रक। तो यहाँ पर किसका स्थानांतरण होता है भाई? केंद्रक का स्थानांतरण होता है। किस प्रकार से होता है? तो देखिए, इस विधि को अपनाया एक वैज्ञानिक थे अपने जेबी गुर्दन, एक वैज्ञानिक थे जेबी गुर्दन। इन्होंने, जेबी गुर्दन ने क्या किया, जो मेंढक का जो लार्वा होता है, मेंढक के लार्वा का नाम आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, उसे हम क्या कहते हैं अभी बताइए? टेडपोल। क्या कहते हैं? टेडपोल। ये जो टेडपोल होता है, इस टेडपोल से क्या ली? एक कोशिका प्राप्त की। टेडपोल की क्या की इन्होंने? एक कोशिका प्राप्त की। इस कोशिका का इन्होंने क्या ले लिया? केंद्रक लिया। इस कोशिका का इन्होंने क्या लिया? केंद्रक बाहर निकाल लिया। क्या निकाल दिया? केंद्रक बाहर निकाल दिया। और एक अन्य कोशिका ली, एक अन्य अंड कोशिका ली, मतलब मेंढक की जो अंड कोशिका होती है, एक देखिए ये तो एक टेडपोल है, जो मेंढक का क्या है? लार्वा है। इन्होंने क्या किया? जो टेडपोल होता है उसकी किसी भी एक कोशिका को लिया, ठीक है भाई, उस कोशिका का इन्होंने क्या निकाल लिया? केंद्रक बाहर निकाल दिया। और केंद्रक बाहर निकाल लिया और एक दूसरा टेडपोल लिया, मान लीजिए कोई दूसरा टेडपोल लिया, उस टेडपोल का क्या ली? अंड कोशिका ली, सॉरी दूसरा कोई मेंढक लिया, उस मेंढक की उन्होंने क्या ली? अंड कोशिका। इन्होंने क्या ली भाई? अंड कोशिका ली। ठीक है, इस अंड कोशिका का इन्होंने क्या कर दिया? केंद्रक नष्ट कर दिया।
इस अंडकोशिका का इन्होंने क्या कर दिया, केंद्रक नष्ट कर दिया। अब देखिए ये जो अंडकोशिका थी वो क्या थी, अनिषेचित। एक बार ध्यान रखिएगा कैसी थी, अनिषेचित, ठीक है भाई। इसका इन्होंने क्या कर दिया, केंद्रक नष्ट कर दिया, तो खाली क्या बचा, कोशिका भाग बचा, केंद्रक रहित कोशिका अपने पास बच गई। अब इन्होंने ये जो केंद्रक था और इस कोशिका के अंदर क्या कर दिया, इन्होंने ट्रांसफर कर दिया, स्थानांतरित कर दिया, ठीक है भाई। इस केंद्रक को इस खाली कोशिका के अंदर जो क्या थी, केंद्रक विहीन, इसके अंदर इन्होंने क्या कर दिया, स्थानांतरित कर दिया। और स्थानांतरित करने के बाद में एक क्या बन गई अपने पास, यहां पर नया एक अंड कोशिका अपने को क्या हुई, प्राप्त हुई, एक नई अपने पास क्या हुई, अंड कोशिका प्राप्त हुई, ठीक है भाई। इस अंड कोशिका के आगे परिवर्धन करने पर, इस अंड कोशिका के आगे परिवर्धन करने पर एक नया जो टेडपोल है वो क्या हुआ, विकसित हुआ, एक नया टेडपोल क्या हुआ यहाँ पर विकसित हुआ। और ये जो टेडपोल था, ये जो टेडपोल था वो इस टेडपोल से क्या था, आनुवांशिक व संरचनात्मक दृष्टि से समान था। ये जो टेडपोल है अपना, इस टेडपोल लार्वा से, मतलब इस कोशिका से या इस युग्मन से जो आगे टेडपोल विकसित हुआ, उस टेडपोल की जो आनुवांशिक संरचना व जो उसकी जो संरचना थी वो किसके समान थी, इस टेडपोल के समान थी, ठीक है भाई। अब यहाँ पर ये क्रिया किसने करवाई थी, जेबी गुर्दन ने करवाई थी सर्वप्रथम, कौन सी भी, नाभिकीय स्थानांतरण क्रिया, जिसके अंदर एक लार्वा लेते हैं, जिसकी तो हम क्या लेते हैं, कोई भी एक कोशिका लेते हैं जिसका हम क्या निकाल लेते हैं, केंद्रक, और एक लेते हैं हम कोई भी एक अंड कोशिका जिसका हम केंद्रक नष्ट कर देते हैं, अनिषेचित अंड कोशिका। फिर जो निकाला गया केंद्रक है, उस केंद्रक को हम इस खाली कोशिका में स्थानांतरित कर देते हैं। आगे जब इसको हम परिवर्धन करवाएंगे, परिवर्धन करवाने से एक नया टेडपोल विकसित होगा जो किसके समान होगा, उस लार्वा के समान होगा जिसका हमने क्या लिया था, केंद्रक लिया था, मतलब आनुवांशिक दृष्टि से हूबहू इसके क्या होगा, समान होगा, ठीक है भाई। अब अगर आप बात करना चाहें यहां से, अगर आप क्लोन की परिभाषा बनाना चाहें कि भी क्लोन होता क्या है, तो क्लोन की अगर आप परिभाषा बनाएं तो क्लोन देखिए, एक ऐसा जीव जो एकमात्र माता या पिता, मतलब एकमात्र जनक, एक ऐसा जीव जो एकमात्र जनक, एक ऐसा जीव कह दीजिए या जैविक संरचना कह दीजिए, एक ऐसा जीव जो एकमात्र जनक, एकमात्र जनक माता या पिता या तो नर या मादा से, माता या पिता से अलैंगिक विधि द्वारा क्या होता है, उत्पन्न होता है, अलैंगिक विधि द्वारा उत्पन्न होता है, और जो किसी जिस जनक से इसको आप बनाएंगे, या तो मान लीजिए माता से या फिर पिता से, तो उसी जनक से क्या होगा, ये आनुवांशिक रूप से वह संरचनात्मक दृष्टि से क्या होगा, एकदम समान होगा, उस संरचना को हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक ऐसी जैविक संरचना जो किसी एक जीव से बनाते हैं, या तो फीमेल भाग लेगा उसके अंदर, या फीमेल कोशिका भाग लेगी, या मेल कोशिका भाग लेगी, परंतु जिस जनक से हम बना रहे हैं उस जनक से वो क्लोन क्या होगा, हूबहू, मतलब आनुवांशिक संरचना उसके जैसी ही होगी, और संरचनात्मक दृष्टि से भी वो क्या होगा, उसी के समान होगा। देखिए आपने कई बार देखा होगा कि महाभारत के अंदर जो आपको बताया जा रहा है, कितने कौरव होते हैं भाई, 100 कौरव होते हैं, तो 100 कौरव मान लीजिए एक शिशु को जन्म देने में कितने वर्ष का समय लगता है भाई, सॉरी 9 माह का समय लगता है, कितने माह का समय लगता है, 9 माह का समय लगता है। अब मान लीजिए उसके कितने पुत्र, 100 पुत्र, तो प्रत्येक पुत्र को जन्म देने में, मान लीजिए 100 पुत्र को जन्म देने में कितने वर्ष लगेंगे भाई, 900 वर्ष लग जाएंगे, ठीक है, तो 900 वर्ष तो एक जीव की आयु हो ही नहीं सकती। तो उस टाइम मान लीजिए क्या हो सकती है, क्लोनिंग विधि क्या हो सकती है, विकसित हो सकती है। इन क्लोनिंग विधि के द्वारा वो क्या हुए, 100 जो पुत्र थे उनका क्या हुआ, निर्माण हुआ, ठीक है भी। तो क्लोन के द्वारा आप एक जीव से उसकी एक तरीके की फोटोकॉपी क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, ठीक है, और वो जो उत्पन्न होने वाला जो जीव होगा वो क्या होगा, जनक के हूबहू होगा, वैसा का वैसा। अब देखिए क्लोनिंग होती है, उसके प्रकार कितने होते हैं, क्लोनिंग के प्रकार कितने होते हैं, मतलब क्लोन
कितने प्रकार की होती है क्लोनिंग की विधि, वो होती है अपनी दो प्रकार से होती है क्लोनिंग की विधि। तो दोनों प्रकार हम आगे पढ़ते हैं इसके अंदर। तो क्लोनिंग अपनी होती है दो प्रकार की, देखिए क्लोनिंग अपनी कितने प्रकार की होती है भाई, दो प्रकार से होती है क्लोनिंग, दो प्रकार से होती है। पहली तो होती है अपनी जीन क्लोनिंग, दूसरी होती है जीव क्लोनिंग। पहली होती है अपनी जीन क्लोनिंग, और दूसरी होती है अपनी जीव क्लोनिंग। ठीक है भाई, क्लोनिंग दो प्रकार की होती है, जीन क्लोनिंग व जीव क्लोनिंग। तो जीन क्लोनिंग क्या होती है, देखिए जीन का यहां पर हम क्या करते हैं, क्लोन तैयार करते हैं। यहां पर आप जीन कह दीजिए, जीन, गुणसूत्र या डीएनए, इनका हम क्या करते हैं, क्लोन तैयार करते हैं। इनका हम क्या करते हैं, क्लोन तैयार करते हैं। तो वो घटना क्या कहलाती है, जीन क्लोनिंग कहलाती है। मतलब एक कोई जीन है, वो एक विशेष संरचना का निर्माण करता है किसी जीव के अंदर, तो इस जीन की आपको क्या करनी है, क्लोनिंग करनी है। मतलब इसके जैसा हूबहू एक नया जीन बना लेना है। ठीक है भाई, अगर आप जीन नहीं बनाते हैं तो कोई एक गुणसूत्र होता है मान लीजिए, उस गुणसूत्र के ऊपर आपको पता है क्या होते हैं, जीन स्थित होते हैं। गुणसूत्र पर क्या स्थित होते हैं, जीन स्थित होती है। मान लीजिए इस गुणसूत्र के इतने भाग की आपको क्या करनी है, क्लोनिंग करनी है, तो एक विशेष गुणसूत्र के खंड की भी आप क्या कर सकते हैं, क्लोनिंग कर सकते हैं, या फिर आप किसकी क्लोनिंग कर सकते हैं, डीएनए की भी क्या कर सकते हैं, क्लोनिंग कर सकते हैं। तो ये होती है अपनी जीन क्लोनिंग, जिसके अंदर आनुवांशिक पदार्थ के हम क्या करते हैं, क्लोन तैयार करते हैं। दूसरी होती है जीव क्लोनिंग। दूसरी कौन सी होती है अपनी, जीव क्लोनिंग। जीव क्लोनिंग के अंदर आपको नाम से पता चल रहा है, जीव क्लोनिंग मतलब एक जीव से दूसरे जीव का क्या करना, निर्माण करना। ठीक है, बिना निषेचन की क्रिया के। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, हमने क्या पढ़ा है, एक प्रकार की ये अलैंगिक विधि है, एक प्रकार की ये क्या है, अलैंगिक विधि है। यहाँ पर निषेचन की घटना नहीं होगी, तो ये बात ध्यान में रखिएगा आप। तो जीव क्लोनिंग मतलब पूर्ण जीव का यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम निर्माण कर रहे हैं। तो जीव क्लोनिंग दो प्रकार की होती है। जीव क्लोनिंग कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। पहली होती है आपकी ब्लास्टोमियर पृथक्करण। पहली कौन सी होती है, ब्लास्टोमियर पृथक्करण, और दूसरी होती है केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक। केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक, ठीक है, ब्लास्टोमियर पृथक्करण, केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक। देखिए ब्लास्टोमियर पृथक्करण इस विधि के अंदर क्या होता है, आपको नाम क्या दिखाई दिया, पहला ब्लास्टोमियर, तो आपको पता है कि जब स्पर्म, जो शुक्राणु होता है और एक अंडाणु होता है, इनके निषेचन से किसका निर्माण होता है, युग्मनज का, जायगोट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, जायगोट का। और ये जायगोट जब क्या होता है, विभाजन करता है। ये जायगोट क्या करता है, जब विभाजन करता है और विभाजन करके एक बहुकोशिकीय पिंड बनाता है, एक बहुकोशिकीय क्या बनाता है, पिंड, जिसे हम क्या कहते हैं, मोरूला। क्या कहते हैं, मोरूला। मोरूला के बाद की जो अवस्था आती है, ब्लास्टुला। ये हम जब जन्म के चैप्टर पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के, तो उसके अंदर आपको बताएंगे पूरा विस्तार से मोरूला ब्लास्टुला क्या होते हैं। तो यहाँ पर एक मोरूला के बाद एक और स्टेप आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लास्टुला, जिसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं क्या होती है, युग्मनज से छोटी छोटी बन जाती है। मतलब युग्मनज के अंदर क्या होता है, समसूत्री विभाजन होते हैं, एक प्रकार से अनेक क्या होते हैं, समसूत्री विभाजन होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, विदलन। परंतु इसके अंदर आप ध्यान रखिए, ये जो साइज होता है इसका, जैसे जब विभाजन होता है युग्मनज में, तो यहाँ पर इसका साइज तो उतना ही रहता है युग्मनज का, परंतु इसी साइज के अंदर कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विदलन कहते हैं। ठीक है, एक प्रकार का समसूत्री विभाजन होता है। अब ये अपना जो ब्लास्टुला होता है, इस ब्लास्टुला की प्रत्येक कोशिका को हम क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। और प्रत्येक कोशिका आगे चलकर किसका निर्माण करती है, भ्रूण का। और भ्रूण आगे चलकर किसका निर्माण करेगा, शिशु का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, शिशु का। ठीक है भाई, इस प्रकार से एक जो जीव है उसकी क्या हो गई, यहाँ पर क्लोनिंग तैयार हो गई। तो इसको हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर पृथक्करण। देखिए ब्लास्टोमियर पृथक्करण में यहाँ पर युग्मनज होता है अपना, ठीक है, उस युग्मनज को हमने यहाँ पर क्या कर लिया, विभाजित कर लिया, और विभाजित करके
क्या कर लिया, अलग अलग कोशिकाएं, मतलब इसकी जो प्रत्येक कोशिका है उन प्रत्येक कोशिकाओं को हमने क्या कर लिया भाई, यहाँ पर अलग कर लिया, अलग करवा के इनका यहाँ पर क्या करवा दिया हमने, परिवर्धन। यहाँ पर आपने इनका क्या करवाया, परिवर्धन करवाया। और परिवर्धन करवाने से कि किसका निर्माण हुआ, भ्रूण का, और भ्रूण ने आगे चलकर किसका निर्माण किया, शिशुओं का। तो देखिए अब यहाँ पर जो जनक था, यहाँ पर जो जनक था उस जनक के समान हूबहू यहाँ पर क्या होंगे, शिशु उत्पन्न होगी, मतलब क्या होंगे, संतानें उत्पन्न होगी। ठीक है भाई, तो ये था अपना ब्लास्टोमियर पृथक्करण, पहली जो विधि थी। दूसरा आता है अपना केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक, दूसरी विधि अपनी आती है केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक, ये मोस्ट है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अंदर जो डोली भेड़ था उसका निर्माण केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक के द्वारा किया गया। तो अपनी नेक्स्ट जो विधि है वो लेकर चलते हैं केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक जीव कॉलोनी के अंदर, केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक। ठीक है भाई, केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक जैसा कि नाम से ही पता है क्या है भाई, यहाँ पर किसका स्थानांतरण होगा, केंद्रक का स्थानांतरण होगा। तो इसके अंदर इस विधि को सर्वप्रथम किसने बनाया था भाई, डॉक्टर इयान विल्टम ने, डॉक्टर इयान विल्टम रोजनिर इंस्टीट्यूट स्कॉटलैंड, कौन से वैज्ञानिक थे, डॉक्टर इयान विल्टम। ठीक है भाई, डॉक्टर इयान विल्टन ये यहाँ पर इनका एक इंस्टीट्यूट में काम करते थे विश्वविद्यालय के अंदर, रोजनिर इंस्टीट्यूट स्कॉटलैंड के अंदर, रोजलिन इंस्टीट्यूट, सॉरी रोजनिर इंस्टीट्यूट, ये कहां पर था भी, स्कॉटलैंड के अंदर, स्कॉटलैंड के अंदर ये इनका क्या था विश्वविद्यालय जहां पर ये काम कर रहे थे। तो इन्होंने सर्वप्रथम किसको अपनाया, केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक को। इसके अंदर इन्होंने क्या किया, एक जो भेड़ उत्पन्न की जिसका नाम था डोली भेड़। ठीक है भाई, ये प्रथम क्लोन से उत्पन्न होने वाली क्या थी, स्तनधारी थी, मतलब स्तनधारी जीवों के अंदर आपको पता है क्लोनिंग की घटना प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती। तो कृत्रिम रूप से सर्वप्रथम जो क्लोन स्तनधारी जीव उत्पन्न हुआ उसका नाम क्या था, डोली भेड़ था। ठीक है, अब उसका निर्माण किस प्रकार से हुआ ये हम देखते हैं। तो 1966 के अंदर इन्होंने क्या किया, ये केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक की इन्होंने दो भेड़ ली, इन्होंने कितनी भेड़ ली भी, दो भेड़, और एक भेड़ से देखिए पहली मान लीजिए ये है अपनी कोई भेड़ और दूसरी ये है। ठीक है, एक भेड़ से तो इन्होंने क्या किया भाई, एक भेड़ का स्तन कोशिकाएं ली, एक भेड़ की इन्होंने क्या ली, स्तन कोशिकाएं, यहां पर ये क्या होगी, दाता भेड़, डोनर, ये क्या होगी यहां पर है, दाता भेड़। ठीक है भाई, मतलब इससे इसकी जो स्तन कोशिकाएं थी उन स्तन कोशिकाओं को यहां पर इन्होंने क्या कर दिया, निकाल लिया, एक को स्तन कोशिका यहां पर क्या कर लिया, निकाल लिया। दूसरी भेड़ थी जिससे इन्होंने क्या लिया, एक अनिषेचित अंड कोशिका ली, एक दूसरी जो भेड़ थी उससे उन्होंने क्या लिया भाई, अनिषेचित अंड कोशिका। तो एक भेड़ और ली इन्होंने जिससे इन्होंने क्या लिया, इसका अनिषेचित अंड कोशिका, अनिषेचित अंड कोशिका। ठीक है भाई, इसे क्या कहा, अंडदाता भेड़, अंड कोशिका दाता भेड़। ठीक है, इन्होंने इसकी क्या ली भी, अनिषेचित अंड कोशिका ली, और इस अनिषेचित अंड कोशिका से मतलब इसके अंडाशय से निकाला इसको, इसके अंडाशय से क्या निकाली, ये देखिए जो क्रिया थी वो की गई थी 1966 के अंदर। ठीक है, ये सब जो क्रिया की गई थी, सर्वप्रथम डोली भेड़ का निर्माण कब हुआ था, 1966 में हुआ था। तो यहाँ पर इन्होंने अंड कोशिका निकाली इसके अंडाशय से, एक भेड़ मतलब दो भेड़ ली, एक से तो क्या ली, स्तन कोशिका से एक कोशिका निकाल ली। ठीक है, और एक हमने यहाँ पर क्या ली, अनिषेचित अंड कोशिका किसी एक भेड़ की। अब इसका इन्होंने क्या कर दिया, केंद्रक नष्ट कर दिया,
इसका इन्होंने कोई भी अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा या किसी तकनीक के द्वारा इसका केंद्रक यहाँ पर क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। तो ये यहाँ पर क्या होगी, केंद्रक विहीन, यहाँ पर क्या होगी, केंद्रक विहीन अंड कोशिका अपने पास प्राप्त हो गई। यहाँ पर अपने पास क्या होगी, केंद्रक विहीन अंड कोशिका प्राप्त हो गई। अब इन्होंने इस केंद्रक विहीन अंड कोशिका वह जो जिस कोशिका का हमने क्या लिया था, केंद्रक लिया था, इन दोनों को विद्युत के द्वारा मतलब विद्युत उद्दीपन के द्वारा दोनों को क्या कर दिया, संलयित कर दिया, दोनों को संलयित कर दिया मतलब फ्यूज करेंगे, जोड़ेंगे। तो इसका केंद्रक इस कोशिका के अंदर क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। इसका देखिए ये आपको संरचना यहाँ पर क्या होगी, प्राप्त होगी। ठीक है, मतलब देखिए एक कोशिका लिया, अंड कोशिका, केंद्रक नष्ट कर दिया, तो खाली इसका खोल बचा है और इसका जो कोशिका जो द्रव्य था वो बचा है। ठीक है, और इसका हमने यहाँ पर क्या लिया है, केंद्रक लिया है मतलब पूर्ण कोशिका लिया है, और इन दोनों को विद्युत या उद्दीपन के द्वारा क्या कर दिया, संपर्कित कर दिया, और फ्यूज करने के बाद मतलब संलयित होने के बाद में अपने पास है एक क्या हो गई, अंड कोशिका प्राप्त हो गई बिना निषेचन वाली। ठीक है, अपने पास यहाँ पर इनका क्या करवाया, संलयन। अब यहां पर देखिए, एक पहले आपने देखी थी नाभिकीय स्थानांतरण तकनीक, तो यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा कि नाभिकीय स्थानांतरण तकनीक में हम क्या करते हैं, केंद्रक बाहर निकाल लेते हैं। नाभिकीय स्थानांतरण तकनीक में क्या करते हैं, केंद्रक बाहर निकालते हैं, परंतु यहां पर केंद्रक को हमने बाहर निकालना नहीं है, केंद्रक यहां पर बाहर नहीं निकाला, डायरेक्ट इसको हमने क्या कर दिया है, फ्यूज कर दिया है। ठीक है, अब ये जो अपने पास कोशिका प्राप्त हुई, ये जो संलयित कोशिका अपने पास प्राप्त हुई है, इस संलयित कोशिका को हमने क्या करवाया, परिवर्धित करवाया, इस संलयित कोशिका का हमने क्या करवाया, परिवर्धन करवाया, ब्लास्टोमियर अवस्था आने तक, मतलब एक अवस्था तक इसको हमने क्या किया है, मतलब एक सप्ताह तक इसका हमने क्या करवाया है, परिवर्धन करवाया है, और इसको हमने ब्लास्टुला के अंदर क्या कर लिया, परिवर्तित कर लिया। ठीक है भाई, इसको हमने एक सप्ताह तक इसका क्या करवाया, परिवर्धन, परिवर्धन करवाया पोषक माध्यम के ऊपर। एक पोषण माध्यम होता है जिसके ऊपर हम क्या करवाते हैं, परिवर्धन करवाते हैं कोशिकाओं का, तो यहां पर इसका परिवर्धन करवाएंगे, तो परिवर्धन के अंदर ये क्या करेगी, विभाजन करेगी, विभाजन करके ये किसका निर्माण कर लेगी, ब्लास्टुला का निर्माण कर लेगी। एक सप्ताह के अंदर यहां पर किसका निर्माण हो जाएगा भाई, ब्लास्टुला का निर्माण हो जाता है। ब्लास्टोसिस अवस्था तक इसका हम क्या करते हैं, परिवर्धन करते हैं। यहाँ पर हमने किसका निर्माण कर लिया, ब्लास्टुला का निर्माण कर लिया है, और इस ब्लास्टुला को हमने एक अन्य भेड़ ली, एक अपने अन्य भेड़ लेते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, फोस्टर मदर कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, फोस्टर मदर। ठीक है भाई, एक अन्य भेड़ ली और इस भेड़ के गर्भाशय के अंदर क्या कर दिया, स्थानांतरित कर दिया, इस भेड़ के किसमें, गर्भाशय में, किसको, अंड को, इसके गर्भाशय में हमने इसको क्या कर दिया है, स्थानांतरित कर दिया है। और इसके अंदर गर्भाशय में स्थानांतरित करने के बाद में 5 माह के बाद, मतलब 5 माह की गर्भावधि के बाद के अंदर 5 जुलाई 1966 में 4 बजे शाम 4 बजे एक भेड़ ने क्या लिया, मतलब प्रथम क्लोन स्तनधारी ने क्या लिया, धरती पर जन्म लिया, क्लोन स्तनधारी ने, प्रथम क्लोन स्तनधारी ने क्या लिया, धरती पर जन्म लिया। तो देखिए क्या क्रिया हुई इसके अंदर, है 2 भेड़े ली, एक की हमने अनिषेचित अंड कोशिका ली, जैसे अंड कोशिका दाता भेड़ के कह दिया, इसका हमने क्या निकाल लिया, केंद्रक नष्ट कर दिया, खाली कोशिका ली, और एक भेड़ ली जिसकी स्तन कोशिका ली, दोनों को आपस में क्या किया, फ्यूज किया विद्युतीय उद्दीपन के द्वारा। फ्यूज करने के बाद जो कोशिका प्राप्त हुई इसका हमने एक सप्ताह तक परिवर्धन किया बाह्य माध्यम के अंदर, और हमको क्या प्राप्त हुई, इसकी ब्लास्टोमियर अवस्था। इस ब्लास्टोमियर अवस्था को हमने एक फॉरेस्ट मदर मतलब एक अन्य भेड़ ली, मतलब कितनी भेड़ काम में आ रही, यहाँ पर 3, एक अन्य भेड़ ली और इसके गर्भाशय के अंदर हमने क्या कर दिया, इसको स्थापित कर दिया। इसके गर्भाशय के अंदर ये स्थापित होकर क्या करती है, अपना पोषण वगैरह प्रदान उपलब्ध होता है इसको, और पोषण वगैरह मतलब एक
प्राकृतिक रूप से इसको क्या होता है, पोषण प्राप्त होता है, और पोषण प्राप्त होने के बाद में 5 माह की गर्भावधि के बाद में इसके क्या होता है, प्रथम स्तनधारी का मतलब प्रथम क्लोन स्तनधारी जो भेड़ उत्पन्न होती है उसको नाम दिया गया डोली। प्रथम जो भेड़ उत्पन्न हुई उसको नाम क्या दिया गया, डोली भेड़। ये प्रथम क्लोन से उत्पन्न होने वाली भेड़ थी। अब आप देखिए ये जो डोली भेड़ है वो इन तीनों के अंदर से किससे समानता दर्शाएगी, किससे अनुवांशिक रूप से समानता दर्शाएगी, न तो इससे दर्शाएगी क्योंकि यहां पर इसका हमने क्या लिया है, सिर्फ कोशिका को लिया है, केंद्रक को नहीं लिया है, न इससे दर्शाएगी क्योंकि इसका हमने सिर्फ गर्भाशय को यूज में लिया है, इसके जेनेटिक मटेरियल को यूज में नहीं लिया। तो बच गई कौन सी अपनी, जिस भेड़ से हमने किसको लिया, स्तन कोशिका को लिया है, मतलब इसका किस क्या लिया हमने, केंद्रक लिया है। तो केंद्रक के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, तो जेनेटिक मटेरियल है इसके अंदर। तो ये जो भेड़ होती है, जो दाता भेड़ होती है, केंद्रक दाता जो भेड़ होती है, उस केंद्रक दाता भेड़ के हूबहू मतलब इससे आनुवांशिक संरचना के अंदर व इससे संरचनात्मक दृष्टि से दोनों ही रूप से जो डोली भेड़ थी वो क्या थी, समान थी। मतलब इन दोनों का जेनेटिक मटेरियल एकदम हूबहू था, इनकी जो शक्ल सूरत थी वो भी क्या थी, सेम थी एकदम। ठीक है भाई, तो ये था अपना डोली भेड़ का निर्माण। ठीक है, किसने किया, डॉक्टर इयान विल्टम ने, जो रोजनेल इंस्टीट्यूट थे स्कॉटलैंड के अंदर कार्यरत थे। इन्होंने 1966 के अंदर ये क्रिया करवाई और 5 जुलाई 1966 4 बजे एक भेड़ ने क्या लिया धरती के ऊपर, मतलब क्लोन जीव ने धरती के ऊपर क्या लिया था, जन्म लिया था। ठीक है भाई, ये थी अपनी डॉली भेड़ निर्माण की क्रिया। तो नेक्स्ट जो अपनी आती है, पहली जो आपका जो केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक थी, उसके बाद एक इसी तकनीक को आगे उपयोग में लेते हुए नूरी पश्मीना क्लोन बकरी का क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। देखिए, शेरे कश्मीर एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक ये संस्था थी, दूसरी संस्था थी नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल। इन दोनों जो संस्थाएँ हैं इनके सम्मिलित रूप से कार्य करने पर किसका विकास किया गया, नूरी पश्मीना क्लोन बकरी का निर्माण किया गया था। विश्व की पहली क्लोन क्या थी, ये बकरी थी जिसका नाम था पश्मीना बकरी, मतलब विश्व की पहली क्लोन थी जिसका विकास या उत्पत्ति 9 मार्च 2012 को कब हुई, कश्मीर के अंदर की थी। जो पश्मीना बकरी होती है इसकी जो ऊन होती है वो अत्यधिक महंगी होती है, तो पहली क्लोन बकरी कश्मीर के अंदर 2012 के अंदर 9 मार्च को क्या की गई, तैयार की गई या इसको उत्पन्न किया गया दो संस्थाओं के द्वारा। नेक्स्ट आती है अपनी होनोलुलु तकनीक, तीसरी जो तकनीक आती है, पहली थी ब्लास्टोमियर पृथक्करण, दूसरी थी केंद्रक प्रतिरोपण, लास्ट जो अपनी तकनीक है वो है होनोलुलु तकनीक। होनोलुलु तकनीक हवाई विश्वविद्यालय के एक वैज्ञानिक थे, कौन से, रुजो यानागिमाची, इनके नेतृत्व के अंदर एक वैज्ञानिक तेरुहिको वाकायामा, इनके द्वारा 1988 के अंदर क्लोन चूहियों का क्या किया गया, विकास किया गया। और इस क्लोन चूहियों के विकास के अंदर नाभिक स्थानांतरण विधि का उपयोग किया गया, नाभिक स्थानांतरण विधि का यहां पर क्या किया गया, उपयोग किया गया। नाभिक स्थानांतरण का विधि का उपयोग किसने किया था, जेबी गुर्दन ने किया था। तो जेबी गुर्दन की विधि को यहां पर उपयोग में लिया गया, जो हमने बात की थी टेडपोल के अंदर, वहां पर केंद्रक को कोशिका से निकाल लिया जाता है, जबकि डोली बेड के अंदर हम केंद्रक को अलग नहीं करते। ठीक है, तो क्लोन चूहियों का यहां पर क्या किया गया, विकास किया गया। प्रथम जो क्लोन चूहिया थी उसका नाम था क्यूमुलस, प्रथम क्लोन चूहिया का नाम क्या था, क्यूमुलस था। और इन्होंने तेरुहिको वाकायामा ने क्या किया, इस क्यूमुलस जो चूहिया थी, क्लोन चूहिया जो उत्पन्न हुई थी, इसकी 3 पीढ़ियों तक भी क्या किया, इसका क्लोन किया, मतलब इसके कोशिकाओं से 3 पीढ़ियां क्या की, निर्माण की क्लोन के द्वारा। ठीक है, ये थी अपनी क्लोनिंग की विधि। अब इसका उपयोग देखते हैं, कुछ एक उपयोग है जैसे चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर, आपने देखा होगा कभी कोई अंग प्रत्यारोपण के अंदर, जैसे मान लीजिए किडनी खराब हो जाए, ठीक है, या फिर मान लीजिए लीवर खराब हो जाए, तो और भी कई चीजें, मान लीजिए अंग प्रत्यारोपण के अंदर कृत्रिम रूप से क्लोन के द्वारा अंगों का निर्माण करके उसको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। ट्रांसजेनिक जंतुओं को बनाए रखना, मतलब ट्रांसजेनिक जंतुओं की क्या करना, क्लोनिंग करना। ट्रांसजेनिक जंतु मतलब जैसे आपने देखा होगा संकरण के द्वारा, जब हम संकरण करवाते हैं
तो एक नई उन्नत किस्म उत्पन्न होती है। उस उन्नत किस्म को बनाए रखने के लिए उस उन्नत किस्म में क्या करते रहना, क्लोनिंग करते रहना। तो वो भी इसके अंदर हम क्या आती है, उपयोग में आती है। एक है आनुवांशिक बीमारियों का, मतलब जो आनुवांशिक बीमारियां होती है उनको भी हम इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। और एक जो कीट प्रतिरोधक फसलें होती है, कीट प्रतिरोध फसलें होती है, या जो अधिक उपज वाली जो फसलें होती है उनको हम क्या करा सकते हैं, उनकी क्लोनिंग करा सकते हैं और उनके अधिक उत्पादन उनसे हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था आज का अपना लेसन क्लोनिंग। इसको आप साथ साथ में जितना इसमें बताया गया, अगर इसका भी अगर आप नोट्स वीडियो से भी अगर तैयार करते हैं तो सफिशियंट है। जो डायग्राम आपको बोर्ड में बनाए थे वो साथ साथ में कॉपी के अंदर बना लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय।